हाय एवरीवन, आज मैं आपको एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताने वाला हूँ जो मेरे साथ 3 साल पहले हुआ था। मैं अपने पूरे फैमिली के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ एक वेकेशन के लिए गया था माथेरान। वो जगह जिधर मैं रह रहा था अपने फैमिली और रिलेटिव्स के साथ, वो बहुत सुनसान जगह थी। वहाँ पे एक ही बंगलो था जिधर हम लोग रह रहे थे। आसपास में और कोई बंगलो और कोई बिल्डिंग, एक कौवा भी नहीं था। वो बहुत सुनसान जगह थी, बहुत डरावनी जगह थी। वहां पर हम लोग 3 दिन के लिए रहने गए थे। 2 दिन तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर दूसरे दिन की रात को ऐसा भयानक इंसिडेंट हुआ जिससे मैं बहुत डर गया। वहाँ पर नॉर्मली लोग 10-11 बजे तक रात को सो जाते हैं, इसलिए हम लोग सब लोग ने भी अपने बंगलों की लाइट शायद 10 या 10:30 बजे तक बंद कर दी थी। सब लोग आराम से सो रहे थे, मेरे सब पूरे फैमिली सब रिलेटिव्स आराम से सो रहे थे, मैं भी आराम से सो रहा था कि अचानक रात के 1 बजे मुझे अर्जेंटली वॉशरूम जाना था। वहां पे बहुत ही अंधेरा था और वॉशरूम भी बंगलो के एंड में था, बहुत दूर था, तो मुझे अकेला जाने में बहुत डर लग रहा था वहां पे, क्योंकि वहां पे एक तो लाइट्स भी बहुत कम थी और बंगलो बहुत दूर था। इसलिए मैंने अपने एक कजिन को नींद से उठाया और मेरे साथ वॉशरूम तक चलने के लिए कन्वेंस किया, और अच्छा हुआ वो मान गया। हम लोग दोनों वॉशरूम तक जा रहे थे, कैसे ना कैसे हम लोग वॉशरूम पे पहुंचे। वॉशरूम एक तो बहुत दूर था बंगलो के एंड में, किसी तरह हम पहुंचे। मैंने अपने कजिन को वॉशरूम के बाहर रुकने के लिए बोला, और जैसे ही मैं वॉशरूम में एंटर हुआ और मैंने दरवाजा बंद कर दिया, तभी अचानक इलेक्ट्रिसिटी चली गई, लाइट्स ऑफ हो गई। पहले ही वहां पे बहुत अंधेरा था, ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी चली गई। मैं बहुत डर गया। मैंने जल्दी में वॉशरूम में जो भी करना था मैंने कर लिया, और जैसे ही मैं बाहर आया मैंने अपने कजिन को बहुत टाइट हग दिया और उसको थैंक यू बोला, बहुत प्रेस किया, बहुत थैंक यू बोला मेरे लिए वहां तक रुकने के लिए। यहां तक जो भी सीन हुआ उसमें मेरे कजिन ने एक वर्ड भी नहीं बोला था, एक सिंगल वर्ड नहीं। मैंने उसको नींद से उठाया, वॉशरूम तक साथ लेके चला, इलेक्ट्रिसिटी बंद हुई, फिर इलेक्ट्रिसिटी आ गई, फिर मैं वॉशरूम के बाहर आया, मैंने उसको हग किया, तब तक एक सिंगल वर्ड भी नहीं निकला उसके मुंह से, एक सिंगल वर्ड। उसके बाद हम लोग दोनों अब रूम में जा रहे थे, मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसको रूम तक लेके गया। जैसे ही हम लोग रूम के पास पहुंचे मैंने दरवाजा खोला रूम का, फिर मैं क्या देखता हूं, जैसे ही मैंने रूम का दरवाजा खोला मैंने देखा कि मैं मेरा कजिन वहां पे सोया हुआ था। एंड आई वॉज शॉक्ड, लाइक हाउ कैन इट बी। और फिर मैंने अपने साइड में देखा जो मेरे साथ था, ही गेट्स डिसअपीयर्ड। लाइक मतलब मैं उसको अपने साथ लेके गया था वॉशरूम तक और फिर अचानक से डिसअपियर हो जाता है। मैं बहुत ही डर गया, मैं बहुत शॉक हो गया, मेरा अभी कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा था, मैं ऐसे फेंट होने वाला था, इतना शॉक हो गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता ही नहीं चला। आई डोंट नो, लाइक इट वॉज अ बुरा सपना और इट वॉज अ रियलिटी, सब मेरे आंखों के सामने हुआ और मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। अभी तक जब भी मैं इंसिडेंट को याद करता हूं मुझे बहुत डर लगता है, बहुत समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सच में हुआ था या मतलब सपना था।